ज़रा सोचिए कि आपके पास एक पैसे से भरा हुआ, आपकी ज्वेलरी से भरा हुआ बैग है और वो बस में छूट गया है। क्या आपको कभी ऐसा लगेगा कि वो बैग आपको वापस मिलेगा, वो पैसे, वो ज्वेलरी आपको वापस मिलेगी? उम्मीद हम ना के बराबर करते हैं। हालांकि पुलिस में हम इसको लेकर ज़रूर इत्तला कर लेते हैं पुलिस को। आपको जानकारी देते हैं, हरियाणा से एक बहुत ही दिलचस्प मामला सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। तो देखिए, आजकल भ्रष्टाचार और ईमानदारी इतनी फैल गई है कि ईमानदारी निभाना जो ना के बराबर हो गया है, लेकिन अभी भी सारे लोग ऐसे हैं जिनको ईमानदारी अच्छी लगती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो वहीं देखिए, हाल ही में हरियाणा रोडवेज विभाग के एक कर्मचारी ने अपनी ईमानदारी दिखाकर लोगों को हैरान कर दिया है। महिला यात्री ने जब बैग चेक किया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो देखिए, 23 अक्टूबर को गोहाना से जम्मू कटरा के लिए दोपहर बस रवाना हुई, जिसका परिचालक धर्मवीर था। गोहाना से कमलेश वासी बिचपड़ी भी इस बस में पानीपत के लिए रवाना हो गई और बस चलने से पहले वो एक अन्य बैठी हुई महिला से अपने बैग का ध्यान रखने के लिए कहकर, बाथरूम करने के लिए कहकर नीचे उतर गई और इतनी देर में बस चल पड़ी। वहीं देखिए, कमलेश बस को तलाशती रहीं। कुछ देर बाद महिला कमलेश एक अन्य दूसरी बस में पानीपत के लिए रवाना हो गई और अपने बैग बस में रहने की सूचना पानीपत रोडवेज विभाग में दी है। तो अपना बैग वापस पाकर महिला यात्री काफ़ी खुश नज़र आई और रोडवेज के सभी कर्मचारियों का उन्होंने धन्यवाद किया। दूसरी ओर बस में परिचालक धर्मवीर ने देखा कि एक सीट पर एक बैग रखा हुआ है। जब बस में बैठी सवारियों के से बैग के बारे में पूछा गया तो किसी ने बैग उनका होने की हामी नहीं भरी, जिसके बाद धर्मवीर ने वहाँ पर बैग को चेक किया तो बैग के अंदर पैसे और ज्वेलरी रखी हुई थी, जिसकी सूचना धर्मवीर ने गोहाना बस स्टैंड पर दी और अपने साथ संभाल कर उसे जम्मू ले गया। और जाते ही ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए महिला यात्री को उनके हवाले जो है बैग कर दिया। धर्मवीर इससे पहले भी एक यात्री का बैग वापस लौट आ चुका है, जिसमें 1.5 लाख रुपए थे। तो देखिए, ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए ये जो वीडियो है, ये जो खबर है, वो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कॉमेंट करें।